हेलो गाइस, रिसेंटली ई मोटोरेड की एक और इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल लॉन्च हो चुकी है और लॉन्च होते ही मैंने उसको खरीद लिया है। इसका नाम है ई मोटोरेड टीरेक्स एयर। आप लोगों को पता होगा इस मेरे पास ई मोटोरेड की X1 ऑलरेडी है। जब मैंने उसको अनबॉक्स किया था तो आप लोगों को वो साइकिल बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल विथ गियर खरीदने के लिए। तो गाइस हाजिर है आपके सामने ई मोटोरेड टीरेक्स एयर। इसके अंदर शिमानो के गियर्स भी लगे हुए हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल विद गियर है। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसको अनबॉक्स करके बहुत ही मस्त तरीके से मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला। तो इसका लॉन्चिंग प्राइस है 34,999 रुपीज। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो ये साइकिल को खरीद सकते हो। चलो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फटाफट से बिना वक्त वेस्ट किए बॉक्स को खोलते हैं हम लोग यहाँ से। गाइज, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना। यार काफी मस्त पैकिंग कर रखी है ई मोटोरेड वालों ने। यहां से मैंने इसको खोल दिया है और यहां से भी इसको खोल देते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर आपको इसकी बैटरी नजर आ जाएगी। इसके साथ मेरे को मिली है 36 वोल्ट 10.2 AH की बैटरी। बैटरी काफी ज्यादा भारी भरकम है, इसका मतलब ये है कि ये साइकिल मेरे को लगता है X1 से भी ज्यादा दूर तक रेंज देगी। तो बैटरी को रखते हैं साइड में, अब निकालते हैं हमारी साइकिल को यहाँ से। मेरे को थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है इसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले साइकिल को बाहर निकाल लेते हैं, फिर फटाफट से इसको फिट भी करेंगे। ओके, तो बॉक्स के अंदर से साइकिल तो मैंने निकाल दिया है। ये शायद इसका चार्जर और इसके कुछ एक्सेसरीज वगैरह होंगे, इनको भी मैं आपको थोड़ी देर में खोल के बताने वाला हूँ। तो ये बॉक्स को हटाते हैं साइड में हम लोग। अगर ये साइकिल की वेट की बात करूं तो साइकिल अच्छी खासी भारी भरकम है यार। तो पहले देख लेते हैं ये बॉक्स के अंदर क्या क्या है, उसके बाद हम लोग साइकिल का टायर वगैरह लगाएंगे, उसके बाद हैंडल वगैरह फिट करेंगे। यहाँ पे इसके पैडल्स हैं, पैडल्स की क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर मेरे को लग रही है। ये शायद सैडल को सेट करने के लिए कुछ लॉक वगैरह दिया गया है। ये साइड स्टैंड है, इसको भी हम लोगों को सेपरेटली लगाना पड़ता है। वायर मैनेजमेंट के लिए देखिए ये भी दिया गया है, और ये रिफ्लेक्टर होल्डर होगा मेरे को ऐसा लग रहा है, और स्पैनर है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी दिए गए हैं। अंदर शायद इसका चार्जर होगा मेरे को ऐसा लग रहा है, डाल लेते हैं। ओके, ये रहा ई मोटोरेड का बैटरी चार्जर, काफ़ी हेवी क्वालिटी का है भाई ये। तो अब सबसे पहले इसके हैंडल को मैं यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ। हैंडल के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वायर्स नज़र आ जाएंगे, साथ में यहाँ पे इसका M5 डिस्प्ले भी दिया गया है। ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। अब ये इसके हैंडल को मैंने कम्प्लीटली फिक्स कर दिया है। तो साइकिल का सामने का टायर भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। सामने की तरफ आप देख सकते हो एक डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे इसके पैडल्स लगाना था, पैडल्स को भी मैंने फिट कर दिया है। साइड स्टैंड भी अलग से लगाना है, इसको भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। साइकिल कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, अब इसकी बैटरी को यहाँ पे फिक्स करना होगा। और ये साइकिल को बहुत तगड़े तरीके से मैं टेस्ट भी करने वाला हूँ। ये इस तरफ से लग जाएगी, यहाँ से मैं लॉक कर दूंगा तो ये यहाँ से निकलेगी नहीं गई। अब ये इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया, की को मैंने निकाल लिया है। अब आप बैटरी को जितना चाहे उतना निकालने की कोशिश करो, ये बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। जब तक आप इसको ये की से अनलॉक नहीं करोगे तब तक ये बैटरी यहाँ से निकलेगी नहीं। तो ओके गाइस, हमारी साइकिल जो है अब कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, अब इसकी एकदम भयंकर तरीके से हम लोग टेस्टिंग करेंगे। गाइस साइकिल को टेस्ट करने के लिए मैं बाहर आ चुका हूँ। साइकिल का लुक देख लो यार, क्या ही कमाल का है भाई साहब। ओ माय गॉड, एकदम मॉडर्न डिजाइन है इसका। हैंडल बार काफी ज्यादा वाइड है, यहाँ पे इसका लॉक है, यहाँ से आप इसकी बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हो। हॉर्न का स्विच यहाँ पे दिया गया है, इधर एक्सेलरेटर है, और ग्रिप काफी अच्छी खासी है, ब्रेक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे है इसका डिस्प्ले, डिस्प्ले को मैं ऑन करता हूँ, ये इसका LCD डिस्प्ले ऑन हो चुका है। यहाँ से आप इसके पैडल असिस्ट को लो पे रख सकते हो, मीडियम पे रख सकते हो, या फिर हाई पे भी सेट कर सकते हो। टोटल इसके अंदर 5 पैडल असिस्ट सिस्टम दिया गया है। अभी ये साइकिल को मैंने कितने किलोमीटर चलाया है वो दिखा रहा है, 7 किलोमीटर मैंने चलाया। यहाँ पे आपको स्पीड दिखाई देगी, यहाँ पे इसका बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। देखो मैंने अभी इसको 7 किलोमीटर चला लिया है आराम से, अभी तक इसकी बैटरी फुली यहाँ पे दिखा रहा है। ये इसका गियर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। शिवानी का 7-स्पीड गियर इसके अंदर दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको दिखा रहा होगा। यहाँ से गियर को मैं डाउन कर सकता हूँ, यहाँ से गियर को अप कर सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हो अभी सेकेंड गियर है, 3rd गियर 4th 5th 6th 7th, ये 7 गियर है। अगर मैं गियर को डाउन करना चाहूँ यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो गियर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहे हैं। ये इसका गियर है,
पीछे आप देख सकते हो 7 गियर का ऑप्शन दिया गया है और गियर्स की क्वालिटी सच में यार काफी ज्यादा सुपर्ब है। यहाँ पे इसकी मोटर दी गई है, मोटर 36 वोल्ट 250 वॉट पे काम करती है, काफी हेवी साइज की मोटर है। इसके फ्रेम की बात करते हैं, फ्रेम भाई काफी मस्त तरीके से डिजाइन किया गया है, यहाँ से देख रहे हो स्लीक है। उसके बाद यहाँ पे आते आते ये काफी ज्यादा वाइड हो जाता है और इस तरफ भी आप देख सकते हो काफी मजबूत फ्रेम मेरे को ये लग रहा है। इसके अंदर और भी के शॉक्स लगाए गए हैं, ये तकरीबन 100mm का सस्पेंशन है और मेरे को लग रहा है ये ऑफ रोड में काफी मददगार साबित होने वाला है। अब यहाँ पे देखो ये है अपनी T-Rex एयर नई वाली, ये मेरी पुरानी वाली X1 है, इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। क्लियरली आप देख सकते हो T-Rex एयर X1 के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी मेरे को लग रही है और इन दोनों का हैंडल बार भी काफी अलग है यार। T-Rex एयर का हैंडल बार काफी ज्यादा वाइड है और T-Rex एयर के टायर्स X1 के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज के भी दिए गए। इसके ऊपर डिस्प्ले है, इसके ऊपर आपको डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे गियर्स भी है और X1 के अंदर गियर्स नहीं दिए गए हैं। इसकी पावर देखो गाइस कितनी ज्यादा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर थर्टल दूंगा साइकिल एकदम व्हीली करने लगेगी। ये देखो हुई, बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर, जैसे ही मैं थर्टल दूंगा देखो यार टायर बहुत ज्यादा स्पीड से घूमने लगेगा। वाह, इसका टायर तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करने लग रहा है। जो मोटर है काफी ज्यादा पावरफुल इन लोगों ने लगाई है। बाकी इसको एक बार चला के भी देखते हैं कि गियर्स कितनी अच्छे तरीके से इसके काम करते हैं। तो पहले सीधा मैं थर्टल दूंगा, थर्टल के ऊपर ही इसको चलाने वाला हूँ। ये थर्टल मैंने दे दिया है, थर्टल देते ही देखो साइकिल किस तरीके से दौड़ लगा रही है यहाँ पे। ओ भाई, अगर मैं इसको पैडल असिस्ट पे भी यूज करूंगा ना तो इसकी टॉप स्पीड मेरे ख्याल से आराम से 35 से 40 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इसकी टॉप स्पीड में पैडल असिस्ट के साथ भी टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं इसकी स्पीड कहाँ तक जाती है। ये मैंने मारना शुरू कर दिया है पैडल, अरे यार ये तो सेकंड गियर में है, अभी मैं इसका गियर चेंज करता हूँ। ये थर्ड गियर है, ये इसका फोर्थ गियर है, फिफ्थ गियर, ये रहा सिक्स्थ गियर और ये है इसका सबसे टॉप गियर यानी कि 7th गियर। जहाँ तक मैं भी ये LCD डिस्प्ले में देख रहा हूँ इसकी टॉप स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है। पैडल्स मारने में भी देखो मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मैंने अभी इसका पैडल असिस्ट जो है 5 पे रखा है। इसके ब्रेक टेस्ट मैं करने वाला हूँ, देखते हैं हाई स्पीड में चलाने के बाद इसके ब्रेक्स किस तरीके से लगते हैं। वो ब्रेक सच में काफ़ी सही है यार, क्योंकि दोनों ही जगह मैकेनिकल डिस्क ब्रेक इसके अंदर यूज़ किया गया है। अब ऑफ रोड में ब्रेक टेस्ट मैं इसका करने वाला हूँ गाइस। वो ऑफ रोड में भी इसके ब्रेक्स बहुत मस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी X1 है तो इसकी रेस कराते हैं X1 के साथ, देखते हैं X1 जीतती है या फिर ये ई मोटोराट की T-Rex एयर जीतती है। तो रेस अब स्टार्ट होने वाली है, मेरे भाई के साथ मैं रेस कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे रेस सिर्फ थर्टल से ही मैं करने वाला हूँ, पैडल्स हम लोग बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं मारने वाले हैं गाइस। ओके, तो मेरा भाई थोड़ा सा आगे निकल चुका है, अब देखो मैंने फुल थर्टल दे दिया है साइकिल में, देखते हैं इसको ओवरटेक कर पाऊंगा या फिर नहीं। काफी आराम से यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ, मेरे को लगता है ये T-Rex एयर X1 को काफ़ी आराम से ओवरटेक कर सकती है। देखो हम दोनों यहाँ पे पैडल बिल्कुल भी नहीं मार रहे हैं साइकिल के अंदर और मैंने X1 को काफ़ी इजीली ओवरटेक भी कर दिया है। तो यार सच में ये साइकिल बहुत ज़्यादा स्पीड है X1 के मुकाबले में। तो पैडल असिस्ट यूज़ करते हैं गाइस, देखते हैं पैडल असिस्ट यूज़ करने पर दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं पैडल को मार रहा हूँ, अब एक चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा है गाइस, देखो मैं गियर चेंज करूंगा ना तो इसको काफ़ी आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। अभी मैं इसको फिफ्थ गियर में चला रहा हूँ, अभी गियर चेंज करने वाला हूँ मैं साइकिल के अंदर। ये मैंने 6th गियर लगा दिया है, अब मैं 7th गियर में डालने वाला हूँ मेरी साइकिल को। ये 7th गियर में आ चुकी है मेरी साइकिल, अब देखो गाइस काफी आराम से मैं इसको ओवरटेक करूंगा। और ये लोग, मैंने मेरे भाई को काफी इजीली ओवरटेक भी कर दिया है। यहाँ पे देखो मैं ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा हूँ पैडल मारने के लिए भी, तो गियर्स का यूज करके मैं कम से कम पैडल मार के ये साइकिल को ज्यादा से ज्यादा स्पीड चला सक रहा हूँ। ये मेरे को इसके अंदर काफी ज्यादा परफेक्ट चीज लगी भाई। तो ओवरऑल ई मोटोराट की T-Rex एयर 1 मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी भाई, सच में यार इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये साइकिल को मैंने अभी तक 15 किलोमीटर चला लिया है, अभी जाकर इसके अंदर
एक पॉइंट कम हुआ आएगा इस बैटरी का। इससे ये पता चलता है कि इसको एक बार चार्ज करने पे तकरीबन हम लोग 40 से 50 किलोमीटर काफी ज्यादा आराम से चला सकते हैं सिर्फ टर्टल देने से। अगर आप इसके साथ पैडल वगैरह भी यूज करोगे ना तो मेरे को लगता है ये आराम से 55 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगी। कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने काफी बढ़िया बढ़िया कमेंट किए थे, तो उनमें से मैंने 10 लोगों का नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। पहला नाम है राघव, मोहित, कुणाल, सुशांत, पवन, मनीष, नरेश, अर्षद, लक्ष्यराज, आदर्श। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।